हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एडवाइस एक्सप्रेस में। दोस्तों, यदि आपका बैंक अकाउंट इंडियन ओवरसीज बैंक में है तो आप किस तरह से इंडियन ओवरसीज बैंक के एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड का पिन बनाएंगे, यहाँ पर आप लोग को बता दें कि इसका पिन बनाने के लिए आपको इंडियन ओवरसीज बैंक के एटीएम में जाना होगा। चलिए हम इंडियन ओवरसीज बैंक के एटीएम चलते हैं और वहां पिन बना के आपको बताते हैं। दोस्तों, यहां पर हम इंडियन ओवरसीज बैंक के एटीएम में आ चुके हैं, अपना एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में डाल देते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा वेट करेंगे, प्लीज वेट। अब यहां पर आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, चलिए हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। अब प्लीज वेट है, थोड़ा सा रुकेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं ओटीपी जनरेट हो चुका है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा। तो हम चलिए देख लेते हैं, ओटीपी आ चुका है मेरा। दोस्तों, यहाँ पर हम फिर से अपना एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में डाल देंगे, चलिए हम डाल लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, अब इसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करना, चलिए हम अपना इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आपके मोबाइल पर रजिस्टर्ड मोबाइल पर जो ओटीपी आया था इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से, यहाँ पर टाइप कर लेंगे। इसके बाद कंफर्म बटन को दबाएंगे। अब यहाँ पर आप अपना चार अक्षर का एटीएम पिन बना लीजिए, जो भी एटीएम पिन आप बनाना चाहते हैं बना लीजिए। अब यहाँ पर आपको फिर से टाइप कर लेना है जो एटीएम पिन आपने बनाया है, चलिए हमने फिर से टाइप कर दिया। अब यहाँ पर प्लीज वेट है, योर पिन इज बीइंग प्रोसीड, आपका पिन यहाँ पर बन चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पर एटीएम मशीन में इंडियन ओवरसीज बैंक के एटीएम कार्ड का पिन बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।